नमस्ते आई वेलकम यू ऑल टू दीदी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सीरीज ऑफ दो दैरेक्टर रिगार्डिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक टूडे सो द फर्स्ट पॉइंट इज शी इज द हीरोन ऑफ द प्ले एंड पोशिया इज प्रिटी एंड इंटेलिजेंट तो मतलब वो इस प्ले की हीरोइन है और शी इज प्रिटी मतलब खूबसूरत है और वो बुद्धिमान भी है ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड पॉर्शियांट पॉर्शिया के जो पिता थे, थे. जबकि पॉर्शिया के पापा गुजर चुके हैं तो पोर्शिया बेलमोट की होने वाली राजकुमारी है तो पोर्शिया ने जब पहली बार बसाइनियो को देखा था शी इज अट्रैक्टेड टू बसाइनियो मतलब फर्स्ट मीटिंग से ही पोशिया को बेसैनियो थोड़ा बहुत पसंद था ना मूविंग फॉरवर्ड हर इज टू गेट डिसाइडेड बाई हर लेट फादर द बॉन्ड इज अबाउट अ लॉटरी ऑफ थ्री कास्केट गोल्ड सिल्वर एंड लेड वन ऑफ द कास्केट कंटेन द पोर्ट्रेट ऑफ अ सूटर हु पोशियाज द राइट कास्केट विल बी एलिजिबल टू बी द राइटफुल राइट ऑफ हजबिया जब पौर्शिया के पापा जिंदा थे तो उन्होंने थ्री कास्केट का एक डील बनाया था जिसमें से पहला कास्केट है गोल्ड का दूसरा है सिल्वर का और तीसरा है लेट का तो तीनों कास्केट में से एक कास्केट में पौशिया का पोर्ट्रेट है मतलब पौशिया का एक छोटा सा पेंटिंग है अब कोई भी एक राजकुमार या ऐसा कोई व्यक्ति जो पौशा से शादी करना चाहता है वो आके अगर सही कास्केट चूज कर लिया जिसमें पौशिया का पोर्ट्रेट है that time that Prince or the person will be eligible to be the rightful husband of Portia means will be to and Portia will and there are certain criteria that will come if the person fails to choose the right casket which I will explain in the next video or the video where I will explain the entire round of the 3 caskets now here we have to notice that Portia is an obedient daughter Right मतलब तो ट में से सही कास्केट चूज करने आता है ताकि पॉडिया से उसका शादी हो जाए तो अगर पोर्शिया चाहती तो वो बसैनियो को थोड़ा हिंट्स देती थी या फिर पहले से ही बता देती कौन सा सही कास्केट है और उससे शादी कर लेती पर पॉर्शे ऐसे नहीं करती है जिससे ये प्रूव होता है कि दैट शी इज अ ओबीडिएंट डॉटर मतलब वो एक आज्ञाकारी बेटी है शी इज लॉयल शी कुड हैव रिवील्ड द राइट कास्केट टू बसाइनियो पर वो वैसा नहीं करती है वो अपने पिता के विल के अकॉर्डिंगली ही चलती है बहुत सारा सुटर्स आते हैं एंड देन दे ट्राई द लक ऑन द लॉटरी ऑफ कास्टेट पर कोई भी सही कास्टेट चूज नहीं कर पाता है अनटिल बसाइनियो कम्स And then he chooses the right casket, which is the lead casket. After so choosing the right casket, he gets married to Portia. So, when Portia officially becomes the wife of Bassanio, she hears about Antonio's loss and the matter of the bond of 3000 ducats. She seeks advice from a civil doctor, leaves for Venice dressed as a lawyer to save Antonio's life. उसके बाद ये होता है कि जब पौशिया ऑफिशियली बसैनियो के साथ शादी कर लेती है तो वो एंटोनियो का जो लॉस है और वो थ्री थाउजेंड जो पूरा फंडा है इसके बारे में वो समझती है तभी वो बसैनियो को एक एडवाइस देती है कि चलो तुम फटाफट मेरे से शादी कर लो एंड देन यू गो फॉर द रेस्क्यू ऑफ योर फ्रेंड तुम जाके अपनी दोस्त का जान बचाओ वो एक सिविल डॉक्टर यानी कि एक लॉयर से एडवाइस लेती है कि कैसे क्या करना है और वो खुद को एक लॉयर के भेस में बदल देती है फिर वो निकल पड़ती है एंटोनियो का जान बचाने के लिए अब शुरू में जब ये कोर्ट रूम का सीन आता है मतलब ये ट्रायल सीन आता है तो वो टाइम पे किसी को पता नहीं होता है जो सिविल डॉक्टर आया हुआ है वो पोर्शिया है लेटर ऑन जब सीन खत्म होता है तब सब लोगों को पता चलता है कि वो पॉर्शिया है सो इन दी ट्रायल सीन शी हर प्ली ऑफ मर्सी वेन शी कमांड शाइलॉक टू पार्ट विथ हिस्स वेल्ट चेंज हिस्स रिलीजन एंड बिकम अ क्रिश्चियन दिस में बी बिकॉज इन दलिजाबिथियन टाइम सच पनिशमेंट टू द जीव वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एन इनह्यूमन एक्टिविटी ट्रायल सिंह में क्या होता है कि पोर्शिया उस जीव के ऊपर शाइलॉक के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं करती है और उसको ये बोलती है कि तुम अपना सारा दौलत छोड़ दो तुम अपना रिलीजन चेंज कर दो एंड देन यू बिकम अ क्रिश्चियन तुम एक क्रिश्चियन बन जाओ ठीक है अगर यही चीज़ अभी के समय में कोई करता है तो ये क्राइम होता बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड अगर कोई किसी को अपना रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स करता है सो इट इज अ क्राइम पर एलिजाबिथियन टाइम में क्या होता था कि जब ऐसा पनिशमेंट एक ज्यू को दिया जाता था तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए इनह्यूमन एक्टिविटी मतलब इट वॉज नॉट अ क्राइम वो तब के टाइम पे क्राइम नहीं हुआ करता था सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन थैंक यू